हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं की आटे का एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना तो आपको किसी तरह की आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह के बेलन की। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। तो ये कच्चे आलू हैं, इसे हमने अच्छे से पील कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इन आलुओं को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जितने छोटे पीसेस हो सके आपको उतने छोटे पीसेस में इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों आलू को अच्छे से कट कर लिया है। तो काटने के बाद आपको इसे एक बार और अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और अपने सारे कटे हुए आलुओं को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बेसिकली हमें इन आलुओं का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो सारे आलू को हमने जार में डाल दिया है, तो अब इसे हम फटाफट से पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह का पेस्ट आपको तैयार करना है। तो अब अपने पेस्ट को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद अब अपने जार में ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप जितना, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना गेहूं का आटा। तो यहाँ पर आपको गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं, इसे हमने अच्छे से छान लिया है, उसके बाद ही आपको डालना है। तो धीरे धीरे करके आटा डालेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। तो यहाँ पर हमने आधा कप जितना थोड़ा सा और इसमें आटा ऐड किया है। तो बस जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको आटा इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े और ये काफ़ी अच्छे से स्मूथली बैटर बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह का बैटर आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो अब अपने बैटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए गैस पर छोड़ेंगे, तब तक की अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते के लिए हम थोड़ी सी सब्जियाँ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और टमाटर और हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, लाइक पत्ता गोभी, बीन्स वगैरह। तो सबसे पहले हम अपनी गाजर को अच्छे से कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने महीन वाला कद्दूकस लिया है। आप चाहें तो किसी भी कद्दूकस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गाजर को ग्रेट करने में। तो इस तरह से आपको आधी गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाजर आपको इसके अंदर नहीं डालना है। तो बस इस तरह से आप देखिए, हमने आधी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब अपनी कद्दूकस की हुई गाजर को हम एक बोल में निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब अपनी बाकी बची हुई सब्जियों को भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी सारी सब्जियों को हम चॉप कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से कट कर लिया। आप देख सकते हैं, इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा बारीक ही कट किया है। तो अब अपनी सारी सब्जियों को हम एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर सकें। तो देखिए, हमने सारी सब्जियों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेश हरी धनिया डालेंगे। अगर आप हरी धनिया नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी चिली फ्लेक्स। अगर आपकी हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना पैरी पैरी मसाला। ये बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस मसाले में थोड़ा सा सॉल्ट होता है। आप चाहें तो इसे टेस्ट करने के बाद आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, यानी कि नमक ऐड करें। तो देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम एक बार चख लेंगे। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें हम 1 चुटकी जितना नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो चलिए, अब फटाफट से अपने नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अपना बैटर तैयार किया था उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह का गाढ़ा बैटर आपको चाहिए। तो अब फटाफट से हम अपना नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते अपनी गैस की तरफ। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। आपके पास जिस तरह का भी पैन हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच के करीब बैटर को इस तरह से पैन के बीचों बीच में डालेंगे और जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे इस तरह से शेप देना है। तो ये जो बैटर होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो इस तरह से आप देखें, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है तो बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तभी ये अच्छे से कुक होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा।
तो देखिए फर्स्ट जब हम स्टार्टिंग में इसे बनाएंगे तो हमारा जो बैटर होगा वो थोड़ा सा पैन में चिपकेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो इस तरह से ये हल्का सा चिपकेगा, लेकिन जैसे ही ये कुक हो जाएगा ये खुद ब खुद पैन को छोड़ देगा। तब इसके बाद आपको थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देना है, और जब ये अच्छे से कुक हो जाए तब आपको इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा बनाकर दिखा रही हूँ। तो सेम जैसे आप डोसा बनाते हैं उसी तरह से आपको बैटर को डालना है और इसे अच्छे से फैलाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देना है। जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता तब तक कि आपको इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब ये एक साइड से अच्छे से ड्राई हो जाए तो ये खुद ब खुद पैन को छोड़ देगा, तब आप इसे पलट सकते हैं। और इसी तरह से हमको अपने सारे बैटर की अच्छे से शीट तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये दूसरी वाली शीट भी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी शीट को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पैन शीट हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब अपनी एक शीट को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले इस शीट पर हम इस तरह से 1 चम्मच के करीब टमाटो केचप लगाएंगे। आप चाहें तो कोई भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में ईजिली मिल जाए। तो देखिए इस तरह से आपको टमाटो केचप लगा लेना है। और इसके बाद अब हमने जो अपनी सब्जियों की फिलिंग तैयार की थी उसे हम इसमें डाल देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब आपको फिलिंग डालनी है। बहुत ज़्यादा फिलिंग मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा स्वैगी हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो इस तरह से आपको 2 से 3 चम्मच के करीब फिलिंग डालनी है और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना चिली सॉस। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो जैसे हम रैपर को रैप करते हैं उसी तरह से आपको इसे रैप करना है। इसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर लेई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने जिस बैटर से शीट बनाई थी उसी बैटर को हमने थोड़ा सा बचा लिया है ताकि इसे अच्छे से चिपका पाएँ। तो इसे आपको प्रॉपरली अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ये कहीं भी खुले नहीं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऊपर की साइड को जोड़ना है, फिर आपको इसके किनारे की साइड को फोल्ड करना है। तो जैसे हम रैप करते हैं वैसे ही इसे रैप करना है। तो यहाँ पर हमारा ये रैपर तैयार हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी प्रोसेस है और बहुत ही कम समय बनकर तैयार होता है। और खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप एक बार इसे जब बनाकर खाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम अपना दूसरा नाश्ता भी बनाकर दिखा देते हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को अच्छे से बना लेंगे और इसे हम पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसे आपको डायरेक्ट पैन में रखना है। तो देखिए हमने सारे नाश्ते को अच्छे से पैन में सेट कर लिया है। तो बार बार आपको इसे पलटने की यानी कि हिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब इसे हम फटाफट से सेकेंगे। तो जब ये एक साइड से अच्छे से कुक हो जाए तब आपको इसे पलटना है, और पलट करके आपको दूसरी साइड भी इसे अच्छे से कुक करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसे अच्छे से कुक करने में। जब ये अच्छे से कुक हो जाए यानी कि क्रिस्पी हो जाए तब आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी खा सकते हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए कितने कम ऑयल में हमारा ये हेल्दी सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता बन रहा है। तो इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता तब तक ये आपको इसे अच्छे से कुक करना है। तो देखिए इस तरह से जब ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है ये खुद ब खुद फूलने लगता है। इसका साइन होता है कि ये हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से कुक हो चुका है। इसके अंदर जो सब्जियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो आप फटाफट से इस नाश्ते को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं।